हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर से मैं आप लोगों को कंप्यूटर का एक क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग रेखा अग्रवाल का अकाउंट बना रहे हैं। एक रेखा अग्रवाल लेडी हैं और इन्हें अपना अकाउंट क्रिएट करवाना था, जीमेल अकाउंट, जिसमें काफ़ी हद तक मैंने आपको बताया है कि कैसे वो अपने अकाउंट को चूज़ करेंगी, कि उन्हें पर्सनल बनाना है या बिजनेस। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम में लिखेंगी, हाँ ये टैप करके लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही एंटर करेंगी पर्सनल या बिजनेस पे तो फर्स्ट नेम लिखेंगी, फिर टैप से लास्ट नेम लिखेंगी, यूज़र नेम लिखेंगी टैप से, यूज़र नेम में कंडीशंस क्या हैं वो मैंने बताई हैं, फिर टैप से पासवर्ड, पासवर्ड में क्या कंडीशंस हैं वो मैंने बताई हैं, और टैप से फिर शो पासवर्ड में चेक करेंगे, कंफर्म पासवर्ड भी किया, पासवर्ड लिखने के बाद तो शो पासवर्ड में जब चेक किया तो फिर शिफ्ट टैप करके उसको हाइड करेंगी, जो शो पासवर्ड है उसको हाइड कर देंगी। ये मैंने इनको बनवाया पूरा तो आपको वैसे ही बताया। टैप करके नेक्स्ट पे एंटर करेंगी, टेक्स करके सॉरी एंटर करते ही जैसे इन्होंने एंटर किया, यहाँ पर इन्होंने फोन नंबर मांगा, इसने जीमेल ने ये फोन नंबर मांग रहा है कोई, तो फोन और ईमेल भी मांगेगा जो एक जी ऑप्शनल होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि अपना फोन नंबर नहीं लिखा है, फोन नंबर नहीं लिखा इन्होंने, यहाँ पर टैप किया है, उसने एक रिकवरी अकाउंट के लिए ईमेल आईडी मांगी, इन्होंने एक ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दी है, ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर लिख दी है, फिर टैप कर किया है इन्होंने, फोन और ईमेल में से एक लिखना जरूरी है जो कि ऑप्शनल है, और आप चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन फोन या एक ईमेल आईडी में से लिखना जरूरी है ताकि आपके अकाउंट की रिकवरी हो और आपका अकाउंट कंफर्म कर सके। तो जैसे ही आपने ईमेल आईडी लिखी, टैप करके आपका जेंडर पूछा है इन्होंने, जेंडर जैसे उन्हें पूछा तो अप डाउन एरो से देखा इन्होंने, फीमेल पे अपना कर्सर रख लिया है, टैप किया, इनका मंथ आया, मंथ में इन्होंने अप डाउन एरो करके देखा कि क्या कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू है या कोई कॉम्बो बॉक्स है, तो इनको मिल गया, तो इन्होंने अपना मंथ सेलेक्ट कर लिया मार्च, टैप किया डे, लेकिन नो कर इन्हें डेट अपनी लिखनी पड़ी, फिर टैप किया तो ईयर अपना लिखना पड़ा है, इन्होंने ईयर लिखा है, टैप करके योर अकाउंट रिकवरी करके एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी टैप किया तो नेक्स्ट आया है, क्या है नेक्स्ट बटन, ठीक, एक मिनट, हाँ जैसे आप इन्होंने अपना ये लिखा है मैंने इनको लिखवाया कि ईयर लिखा है अपना 1990 यानी 1990, तो टैप किया इन्होंने तो यहाँ पर आ रहा था योर अकाउंट वेरीफाई या वेरिफिकेशन योर अकाउंट, और वेरीफाई कोड के लिए आ रहा था, सेंड बटन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्या आ रहा है सेंड बटन, तो सेंड बटन पे इन्होंने क्लिक किया, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेंड बटन आया है इससे पहले नेक्स्ट किया है मैंने, नेक्स्ट किया इनका अकाउंट बनवाया ना, आपको तीन अकाउंट बनाना बता दिए, जेंडर मंथ डेट और डे, मंथ डेट और ईयर के बाद क्या आया है वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आता है, कभी इससे पहले नेक्स्ट आ जाता है, कभी इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या कभी इससे पहले नेक्स्ट आ जाएगा, कभी इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो अभी पहले नेक्स्ट आ गया तो पहले नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो वेरीफाई सेंड बटन आएगा उससे उसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पे एंटर करेंगे फिर आएगा योर अकाउंट विल बी वेरीफाई, तो वेरीफाई बटन जो आपने सेंड जो कोड लिखा है जो ईमेल आईडी पर आया है आपकी, तो वेरीफाई बटन पे इस पर क्लिक कर देंगे, अब ये अकाउंट वेरीफाई होगा, आप टैप टैप करके आपको देखना है यस आई मेन आएगा, टर्म्स एंड पॉलिसी को एग्री करना है, और आई एग्री बटन आएगा, आई एग्री बटन कभी कभी एक आता है कभी कभी दोनों आते हैं, यस आई एम एन ये आता है, आई एग्री बटन, टैप टैप से इन दोनों को ओके कर लीजिए, इन इसको देखिए, कल फिर मैं इसका रिवीजन एक और करवाऊंगी, ये क्रिएट अकाउंट एक्सरसाइज का कौन सा सी पार्ट था, क्रिएट एन अकाउंट एक्सरसाइज सी पार्ट था, इसको क्लियर करवाऊंगी, डी में ये कल बन के अकाउंट रेडी तो हो गया है, कुछ थोड़े से एक आध दो पॉइंट्स हैं वो भी कल मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।